के बेटियों में यहाँ से कैसे निकले? पूरे परिवार की नजरों से चुपता चुपता कैसे निकले हम बाहर? अगर किसी ने देख लिया तो वो हमें मोहन जी की मदद भी तो नहीं करने देगा ना? अरे प्रमोद, जरा मुर्दा घर की चाबी दे, पेशेंट नंबर 306 की बॉडी को शिफ्ट करना है। ना तूने कल अपना हॉस्पिटल न्यूज में आने वाला है भाई। हाँ। पहली बार किसी हॉस्पिटल में शादी होने वाली है। क्या हो गया? पैर अटक गया। अरे सही से खोलना। अरे सही से तो खोल रहा हूँ, जी नहीं रहा है। ऐसा लगा कि अंदर कोई है। हाँ मुझे भी आवाज आई कि कहीं मुर्दों में से कोई भूत हो तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे छोड़, पहले इस बॉडी की फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं और इसे हैंडओवर कर देते हैं, इसके बाद सादिम चलते हैं। एक बात बता, सादिम खाना होना तो है ना? पता चला कि हमारे हॉस्पिटल के कैंटीन से ही मंगाया हो। चल आराम से। हाँ आराम से लगता है किसी था। हाँ था, हाँ वो मैं ठीक कर देती हूँ। जल्दी चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हेलो दामिनी, एक बैड न्यूज है। एक्चुअली गुनगुन को पता चल गया है कि तुम आज मोहन भैया से शादी कर रही हो। और वो केतकी के साथ मिलकर हॉस्पिटल आ रही है तुम्हारी शादी रोकने के लिए। राहुल, वो शादी रोकना चाहती है तो तुम वहां पे क्या कर रहे हो? 3 फुट की बच्ची नहीं संभाली गई तुमसे? देखो राहुल, अगर गुनगुन यहाँ आ गई ना तो राधा के साथ मिलके मेरे पूरे प्लान में आग लगा देगी, वो समझ रहे हो? चाहे कुछ भी हो जाए राहुल, गुनगुन इस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम ये समझ लो कि मेरे टीम में परमानेंट होने के लिए तुम्हारा टेस्ट है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। और एक और बात राहुल, अगर घर के अंदर रोकने में प्रॉब्लम आ रही है ना तो घर के बाहर से रोक लो उसे। मोहन को होश आ रहा है, किसी ने देख लिया तो? दामिनी माँ, वो मैं क्या कह रही थी, वो पूजा के लिए जो सामग्री वगैरह वो सब तैयार सब हो गया है। तुम चिंता मत करो, जवाई जी गए हैं ना, सब ठीक है। Ra Ra Mohan Ra Ra Mohan Ra Ra
चलिए चल। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव। अब वर वधु को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। मुहूर्त कहीं नहीं जाएगा पंडित जी। शादी इसी मुहूर्त में होगी। लो आ गए। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते ते गिरम योगम स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि सर्व मंगल मंगले शिवे। आज फाइनली तुम मेरे होने जा रहे हो मोहन। आज मेरा सालों का इंतजार खत्म। अब वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। हमें शादी रोकनी ही होगी, लेकिन हम करें भी तो क्या? अगर हम यहाँ से उठकर शादी रोकने गए तो काकी जी हमें बाहर निकलवा देंगी। इतना लाचार मत बनाइए बाकी बिहारी जी, ये मोहन जी की मदद ही ना कर पाए। हम ये शादी नहीं होने दे सकते, हमें कुछ करना होगा। कोई अपशगुन नहीं होता कादंबरी जी। रोगी शिशु और वृद्ध विपता की घड़ी में नियम तोड़े तो पाप नहीं लगता। जैसा आप ठीक समझे। हाँ। इंजेक्शन लगा देना। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। ये दामिनी जीजी और डॉक्टर साहब क्या खुशपसा रहे हैं? मोहन जी किसी खतरे में जरूर है, हमें कुछ करना होगा। इससे पहले कि डॉक्टर उन्हें कमरे में ले जाए हमें वहां पहुंचना होगा। ठीक है, मेरे हाथ में लगा देंगे, लेकिन इसके बाद आपको कैसे कैसे इंजेक्शन लगेंगे वो सोच लेना। जी आप क्या कह रहे हैं? समझ गए आप। लगता है डर के मारे हम किसी और ही रास्ते पर आ गए हैं। हाँ
के मारे हंसी भी निकल रही है। राम 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 राम। बहुत मारा था तुमने ना? अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है। आके बिहारी जी, मोहन जी का कपड़ा कहाँ है? हमें तो मिल ही नहीं रहा। को हाथ लगाने का सोचोगे भी ना तो बाकी बिहार जी कसम जानी ले लेंगे आप तुम्हारी। मोहन को तो बाद में मारूंगा, पहले मैं तेरी जान लेता हूँ। मैं तो उसे यूं ही याद कर रही थी। मोहन की आज जो हालत है उसी की वजह से तो है। सही तो कह रही है हमारी बिटिया, चवाई जी हटिए। कद्दू चुड़ैल भी है ना, सात घर छोड़ के वार करती है, पर ये राधा तो चुड़ैलों की भी माँ निकली। बस भी कीजिए दीदी। अरे माँ, मैं मोहन के पास जा रही हूँ, इतनी देर हो गई है मुझे। रुक जाता मैंने। तुम मंडप छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पंडित जी ने क्या कहा था? सिर्फ वृद्ध, शिशु और रोगी, इन्हीं को छूट है, तुम्हें नहीं। पर माँ वो दामिनी प्लीज। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे मोहन की शादी यूं एक दिन हॉस्पिटल में करनी पड़ेगी। कितना कुछ सोच रखा था हमने। खैर, जिस वजह से ये शादी हो रही है, वजह हमें नहीं भूलनी चाहिए। जल्दबाजी में शादी हो रही है, न रीति है न रिवाज है, पता नहीं अब कोई और बड़ा अपशगुन नहीं चाहते हम। वहां वहां कह दिया हमने, अब कोई और अपशगुन नहीं चाहते हम। अपशगुन तो शुरू हो गया है माँ, और उसका नाम है राधा। वो मेरी शादी रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। तुझे इतनी हिम्मत आ गई? मुझे तो मैं इतनी बुरी मौत दूंगा, इतनी बुरी मौत दूंगा कि मौत भी घबरा जाएगी। पर उससे पहले मुझे मेरा काम करना है। मोहन जी, मुझे ठीक है। Oh,
इनकी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट हो गया है। इन्हें अभी के अभी आईसीयू में ले जाना होगा। जल्दी कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हाँ जी ठीक तो जाएंगे ना, उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना। देखिए अभी जो इनकी हालत है उसे देखकर तो लगता है कि इनका बचना मुश्किल है। आप लोग हटिए प्लीज। जवाई जी, जवाई जी। हमने तुम्हारा अपमान करने में, तुम्हें दोष देने में कोई कमी नहीं रखी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हमें माफ कर दो। अरे नहीं काकी जी, आप क्या बोले जा रही हैं? और काकी जी ये सब इन सारी बातों का नहीं है। मोहन जी की तबीयत खराब होती जा रही, बस मोहन जी ठीक हो जाए। श्री कृष्ण शरणम मामा, श्री कृष्ण शरणम मामा। मिस्टर त्रिवेदी प्लीज इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए ताकि हम पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। ये कैसा फॉर्म है डॉक्टर? मिस्टर त्रिवेदी पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, उन्हें बचाना मुश्किल है। इनफैक्ट नामुमकिन। मोहन की जिंदगी की सारी जिम्मेदारी कादंबरी ने उठाई है, उसकी जिंदगी के सारे फैसले आज तक कादंबरी ने लिए हैं, इसलिए ये फैसला भी हम कादंबरी को ही सौंपते हैं। ये अब नहीं होगा जी, नहीं। तो तू संभालो अपने आप को। काकी जी कर दीजिए हस्ताक्षर। काकी जी भाग्य बिहारी जी पर भरोसा रखिए, वो मोहन जी को कभी कुछ नहीं होने देंगे। मोहन जी बिल्कुल सही सलामत वापस इस कमरे से बाहर आएंगे। कर दीजिए। Oh.
साहब अपना काम कर रहे हैं। इंसान की मर्यादा ना उसके हाथ में ही होती है, और अगर आज आपने अपनी मर्यादा पार करने की कोशिश की तो हम भी अपनी मर्यादा पार करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज अगर गलती से भी आपने हम पर हाथ उठाया ना तो भगवान परशुराम की कसम हम मार ही देंगे आपको। हिम्मत है तेरे अंदर मारने की? ये चूड़ियों वाले हाथ ना लाड़ी अच्छी नहीं लगती। चल एक काम कर, ट्राई कर, कर मार मार। राहुल भैया हम अब भी कह रहे हमें अंदर जाने दीजिए, बात मोहन जी की जान की है, और अगर मोहन जी को बचाने के लिए हम मर सकते हैं किसी को मार भी सकते हैं तो ठीक है ना, मार आना। तो मैं अब शगुन हो गया बिटिया तेरे साथ। सबकी बात अनसुनी कर सकते हैं पर गुनगुन की नहीं। पापा प्लीज उठो ना पापा।
डॉक्टर साहब होश आ गया। नर्स सिस्टर मोहन क्या बात है डॉक्टर साहब ठीक है ना? मैंने ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में सुना तो था जब अपनों का प्यार लोगों को मौत के मुंह से बाहर ले आता है, लेकिन आज खुद अपनी आंखों से देख भी लिया। वाकई भगवान इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। तेरी मैं बलाएं तुझे मैं दुआएं दूं तुझको मैं खुशियों के साए दूं। आज तो तूने हमारी जान ही निकाल दी थी। तेरी माँ तेरे बगैर कैसे रहती बता? हमारे किसी अच्छे कर्म का फल मिला है हमें आज। गुनगुन का है। तेरी मैं बलाएं लूं तुझे मैं दुआएं दूं तुझको मैं खुशियों के साए दूं। ख्वाबों को सजाए तू आंखों में बसाए तू तुझको मैं सब जो चाहे तू। मैं क्या बोला था एक बार फिर बोलो ना प्लीज। जागो रातों में पापा झूला तू मेरे हाथों में। एक बार और बोलोगी? तेरी चूँ आँखें में पापा बैठ सिरहानी सारी रात ये सुनने के लिए अगर मुझे जिंदगी भर बेहोश होना पड़े ना तो खुशी खुशी हो जाऊंगा मैं। शट अप यू आर वेरी बैड। तुमने मुझे छोड़ के जाने के लिए सोचा भी कैसे? पता है तुम्हारी वजह से यहाँ पर सब लोग कितने परेशान हो गए थे, सब लोग कितने टेंशन में हो गए थे। ओ शट अप की बच्ची, तुम्हारा ये शट अप वटअप बोलोगी ना पापा से मोहन बन जाऊंगा मैं। पर अब बस मोहन वो तो गया, अब से पापा बोलो ना प्लीज। I love you. माँ केकी कहाँ है? माँ अभी आपने अंदर क्या कहा? ये शादी अभी नहीं हो सकती पर क्यों? मानती हूँ कि आज खतरा टल गया लेकिन कल परसों शायद आज हमारे साथ भगवान थे लेकिन कल नहीं रहे तो क्या वैसे भी ये राधा तो अब तुम राधा के बारे में कोई बात नहीं करोगी। राधा की वजह से हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। आज राधा की सूझबूझ की वजह से हमारे मोहन को दूसरा जीवन मिला है। आज अगर हमारा मोहन सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ राधा की वजह से। आज राधा ने फिर साबित कर दिया कि वो हमारे परिवार के लिए श्राप नहीं बल्कि वरदान है।
तुम्हें तो राधा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बाकी बिहारी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि राधा के कदम हमारे घर में पड़े। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी भी, दिल से बहुत साफ, बस थोड़ी सी पागल है। सबका ख्याल रखती है, बस खुद का ख्याल नहीं रखती। मतलब अकल थोड़ी कम है, पर दिल जो है ना वो बहुत बड़ा है इसका। जब ये मुस्कुराती है ना सारी दुनिया एक साथ मुस्कुराती है, और जब ये रोती है ना तो दिल बैठ सा जाता है। और कुछ बताओ। और राधा तुम्हें कैसे लगा अपने हीरो? बिल्कुल हमारे बाकी बिहारी जी जैसे। थोड़े चंचल, थोड़े शांत, थोड़े नटखट तो थोड़े शालीन। गुस्सा तो इनकी नाक पर बैठा रहता है, कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं है इन्हें, और सही के लिए तो पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। तुम बताओ कि तुम्हें डायरेक्टर कैसा लगा? अच्छा देख देख, तुम्हारे परिवार को राधा अपना परिवार बनाने पर तुली हुई है। हम दो और हमारी एक चुईया। क्या तुम मेरी साइड हो या उस राधा की साइड? अरे बिटिया हम तो तुम्हारी साइड है ना, पर मोहन अब तेरी साइड नहीं है, उसका क्या? वो तो राधा की साइड है और तेरे प्लान पे प्लान खराब होते जा रहे हैं। पूरे परिवार के सामने, कत्तू के सामने इसकी तो इज्जत और बढ़ गई है। प्रभु हमें तो डर है बेटिया, कहीं तुम्हारी ये शादी की बातें कहीं बातें बन के ना रह जाए। नहीं मम्मा, बातें नहीं, ये शादी तो जरूर होगी और जिस डेट को फिक्स हुई थी उसी दिन होगी। वहीं रुक जाओ मोहन। मौत के साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ के घर वापस आए, इतनी सारी बच्चों की जान बचाई है तुमने मोहन। सारे शहर में तुम्हारी बहादुरी के इतने सारे चर्चे हैं, कहीं नजर न लग जाए। इस राधा ने मोहन को सब बता तो नहीं दिया? बच्चों की जान ना किसी और ने बचाई तो बहादुरी के चर्चे भी उसके होनी चाहिए, और इस स्वागत की असली हकदार भी वही है। कौन? जिसने मेरी जान बचाई, वो जो लोगों को तकलीफ में देख कर ना उसके खुद के आंख में आंसू आते हैं। वो जो तिरस्कार के बाद भी लोगों का भला करने से पीछे नहीं हटती, वो जिसके घर में होने से यकीन होता है, भरोसा होता है कि घर में कुछ बुरा नहीं होगा। जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाती, तब से वो इस घर में आई है ना, इस घर की मुसीबतों के सामने हमारी ढाल बनकर खड़ी रहती है वो।
आरती राधा की उतरनी चाहिए। जिम्मेदारी तो ठीक है, मैनेज का क्या करोगी? वो कब सीखोगी तुम? अच्छा, मैंने क्या किया? तुमने जो किया है ना, वो तुम्हें अच्छी तरह पता है और मुझे भी। जब मैं हॉस्पिटल में था, तुमने राधा के साथ जो किया ना, वो पता चल गया है मुझे। और घर आने के बाद भी जो तुम राधा को बोल रही थी ना, सब सुन लिया है मैंने। वो एक्चुअली मोहन, मेरा वो मतलब था ही नहीं। वहाँ हॉस्पिटल में पंडित जी ने राधा के बारे में जो कुछ भी कहा, उसके बाद मैं बहुत डर गई थी मोहन। आई एम ऑनेस्टली रियली वेरी सॉरी। वो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे आगे मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। मैं तो देखना शुरू कर दो ना, देखना शुरू कर दो। मुंह के बल गिरोगी तब क्या करोगी तुम? जो बदतमीजी तुमने राधा के साथ की है ना, बस आखिरी बार। इसके बाद अगर तुमने बदतमीजी की ना, तो मैं सॉरी बोलने का भी मौका नहीं दूंगा मैं। और एक बात जान लो कि राधा मेरे लिए ना बहुत खास है। और हमारी शादी? तुम ही कह रही थी कि मौत के मुंह से बचकर आया हूं। दिन आराम कर लेता हूं, कल बात करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है।